हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें, वो दरवाजा भी बंद कर दें। और अब हम वृंदावन चंद्र दास गोस्वामी महाराज के श्री वचन को सुनेंगे, जिसमें हम नौका विहार के पास टाइम्स को श्रवण करेंगे। तो कृपया इसका आनंद लिए। और महाराज जी की वाणी, मतलब पिछली बार से या उससे पहले भी महाराज जी ने कही है, वो हृदय में छप जाती है, तो इसलिए हमें बड़ा आनंद आता है। इसलिए हमने सभी भक्तों के विचार से महाराज जी से निवेदन किया था कि वो स्पेशली नौका विहार के बारे में आज कहें। तो थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा। थोड़ा सा और उधर जाना पड़ेगा, अतिक्रमण कर लिए कीर्तन के बाद। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हम बोलेंगे, लेकिन उसके पहले तीन चार शब्द आप लोगों से सुनना चाहेंगे। हम एक प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर आपको देना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में क्यों अवतरित हुए? ध्यान दीजिएगा कि मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए, यह नहीं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण ब्रज में क्यों अवतरित हुए? तीन चार शब्द में कौन उत्तर देगा? हाथ उठाइए। हरिगोपाल, रस आस्वादन के लिए दो तीन शब्द में उत्तर देना हो। रस आस्वादिते चैतन्य चरितामृत का शब्द है, रस आस्वादन के लिए अवतरित हुए। और अवतार लेकर के विविध प्रकार से रस का आस्वादन किया। और रस आस्वादन भूतल पर किए, आकाश में नभ में किए और जल में किए।
तीन स्थान पर मनुष्य का एक्टिविटी देखा जाता है, तभी तो तीन प्रकार के सैनिक की व्यवस्था की गई है। भगवान भूतल पर आस्वादन किए, लेकिन इसके साथ ही नभ में भी आस्वादन किए, रस का जल में भी आस्वादन किए। अभी आप लोग झूलन लीला के विषय में सुन रहे थे, वो तो पृथ्वी से ऊपर उठ करके भले ही निम्न स्थान हो, लेकिन नभ में ही झूलन होता है और जल में भी आस्वादन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे, संकेत दिया गया है जल में आस्वादन का, उसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं। जिसको रुचि हो वो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 18वें अध्याय में मंजरी भाव में आविष्ट हो करके चैतन्य महाप्रभु वर्णन प्रस्तुत किए। एक चीज है का अंतर है, भगवान जब भूतल पर रस का आस्वादन करते हैं, खास करके प्रिया जी के साथ हैं, राधा रानी के साथ हैं, और उनको राधा रानी को मनाने में बहुत समय चला जाता है। देखिए कई एक चीज सिद्धांत का है, लेकिन महाराज पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग सीड फेंक रहे हैं, कहीं तो अंकुरित होगा। और कई एक सिद्धांत वाक्य है, एक बार में नहीं पूरा समझ में आएगा, लेकिन वो सहायक जरूर बन जाएगा। और मैं कह रहा था कि राधा रानी को मनाने में समय बीत जाता है, कि कोई भी ब्रज के परिकर हैं या गुरुजन हैं तो उनका लक्षण आप देखते हैं कि या लिभिर जुक्तिर अपेक्षणीय रति के लिए सिद्ध, प्रिया प्रियतम के लीला के सिद्धि के लिए जिस युक्ति की जरूरत है और उसमें दक्ष है, इसलिए गुरु जी भगवान को बहुत प्रिय है। और सखियों का अभिष्ट होता है कि प्रिया प्रियतम को एक साथ लाया जाए, राधा रानी और श्री कृष्ण जितना निकट हैं, जितना क्लोज हैं, तो सखियों का आनंद उतना अधिक है। लेकिन भूतल पर भगवान राधा रानी को अपने अंक में ले लेते हैं, लेकिन अनुनयन राधा, बहुत उनको अनुनय करना पड़ता है। भगवान इस विषय में बोले हैं कि इतो श्रम तबहु नाही भयो, राधा रानी से कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे मान मनाने में जितना परिश्रम लग रहा है और उतना श्रम तो हमको उस समय भी नहीं हुआ। किस समय? समुद्र पर पुल बांध दिया, लेकिन उतना परिश्रम नहीं हुआ। ये पर्वत को हाथ पर उठाया 7 दिन, उतना परिश्रम नहीं हुआ। 3 डेग में पूरे भूमंडल को नाप लिया, उतना परिश्रम नहीं हुआ। आग को पी गया, उतना परिश्रम नहीं हुआ जितना तुम्हारा यह मान परिश्रम दे रहा है। और भाई जब इतना परिश्रम है तो मनाते क्यों, छोड़ क्यों नहीं देते हैं? कि क्या कहें, इसमें इतना रस है कि छोड़ना नहीं बनता है। भूतल पर भगवान आस्वादन करते हैं, एकांत कुंज भवन नुनयन राधा अंके निधाय, अपने गोद में ले करके बाल को संवार करके बार बार चुंबन करते हैं, ठीक है, लेकिन मान मनाना पड़ता है।
एक प्रश्न होगा कि मान क्या होता है। देखिए, ये प्रेम का स्वभाव है कि निरंतर बढ़ता रहता है। प्रेम स्टैग्नेंट की स्थिति में नहीं रहता, ये बढ़ता रहता है। और प्रेम का एक स्वभाव है कि वो अपने को छिपाना चाहता है, या प्रेम को जब छिपा करके रखा जाता है तब उस प्रेम की गरिमा रहती है। प्रेम के लक्षण के विषय में कहा गया है कि प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव, ये जो प्रेम है तो दोनों रसिक के हृदय में एक दीपक के समान है। ओ, यदि उसको हृदय में ही रखा जाता है और निश्चल में वह भाती, वह बहुत सुंदर लगता है। दीपक, दीपक का जिसको अनुभव में कैंडल जलाते हैं और उसको घर में रखिए तो उसका लौ ऊंचा तक जाता है, लेकिन उसको बाहर कर दीजिए तब वो लौ कम हो जाता है। बहुत बहुत संभावना है कि बुझ भी जाएगा। तो यही उदाहरण दिए हैं, द्वारा दिया यदि बदनतः बहिष्कृतश्चेत, यदि मुख के दरवाजे से प्रेम को बाहर कर दे और निर्वात से ग्रम मथवा उपाय, वो लघुता उपायती, वो छोटा हो जाएगा या हो सकता है कि बुझ भी जाए। दीपक के उदाहरण से प्रेम को आप समझ सकते हैं। और प्रेम का स्वभाव है अपने को छिपाना, या छिपा करके रखने से उसकी गरिमा बनी रहती है। और जब प्रेम में निरंतर वृद्धि है तो प्रेम अब स्नेह के अवस्था को प्राप्त करता है, द्रव चित्त एकदम द्रवीभूत होकर के बहने लगता है। वह स्नेह का स्तर है, और उसमें भी जब वृद्धि होती है उसमें भी तरंग आता है, तो प्रेम अपने को छिपाना चाहता है। वो प्रेम छिपाने के लिए अपने को मान में परिणत हो जाता है, और मान में प्रेम के स्थिति में थोड़ी भी ह्रास नहीं है। दोनों अनुरक्तयो सतो, नायक नायिका अनुरक्त है, लेकिन जो उनका अभीष्ट है वह बंद कर देते हैं। कोई भी नायक नायिका है, एक साथ है तो उनका अभीष्ट है एक दूसरे को देखना, बात करना, स्पर्श करना, चुंबन करना, यही सब अभीष्ट है। लेकिन हृदय में कुछ ऐसा भाव जग जाता है कि यह जो अभीष्ट है उसको बंद कर देते, तो उसको मान कहते हैं। और भूतल पर तो राधा रानी बार बार मान करती है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि भगवान का तो अधिक समय राधा रानी के मान मनाने में ही चला जाता है, लेकिन जब भूतल से भिन्न नभ में लीला कर रहे हैं या जल में लीला कर रहे हैं तब इस समस्या से मुक्ति है। ओ, यहाँ नौका विहार उत्सव का आयोजन किया गया है, बहुत उपयुक्त स्थान चुना गया है। ये बहुत उपयुक्त स्थान है। किसी किसी को मन में एक विचार आता है, गोवर्धन पहाड़ और वहाँ नौका विहार, ये तो कंट्राडिक्शन है ना। लेकिन उपयुक्त स्थान कैसे है, नदी और पहाड़ का संबंध समझना चाहिए। भाई गोवर्धन तो जरूर पर्वत है, लेकिन नदियां तो प्राय पर्वत से ही निकली है ना, और इससे पर्वत से भी कई एक नदियां निकली है। आप लोग मानसी गंगा का नाम सुनते हैं, तो अभी तो मानसी गंगा को सरोवर के रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी आज भी अब नदी का रूप दिखा देती है। हम लोग
कुछ साल पहले देखे हैं नदी का रूप, वे नदी जैसा बहने लगती हैं, और ऐसा नहीं कि दो चार दिन, दो चार महीना तक बरसात से शुरू होकर के पूरा कार्तिक नदी जैसा बहती रह गई। और यह स्थान इसलिए उपयुक्त है कि भगवान यही नौका विहार करते थे। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखे हैं कि अत्रैव गंगा मनु, अत्रैव गंगा मनुना विराधाम आरोह्य मध्य निमग्न नौका। गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उनके महिमा का गान कर रहे हैं, और उसमें भगवान के नौका विहार के लीला का भी उल्लेख किए, कह रहे हैं कि अत्रैव यही इसी गोवर्धन में गंगा मनु नावी, गंगा से रिलेटेड नाविक बन गए कृष्ण। मतलब ये मानसी गंगा है और इसमें अवे नौका लेकर के तैयार हैं, और आरोह्य राधाम, राधाम आरोह्य मध्य तो निमग्न नौका। अब भगवान ने नौका पर बैठे हैं, राधा रानी को नौका पर ले लिए, और तट से जो ही आगे बढ़े तो अब नौका को हिलाने लगे। ही स्टार्ट टू रॉक द बोट, डगमग डगमग। जो भी नौका पर चढ़े होंगे, अब नौका हिलने लगती है तो कितना भय उत्पन्न होता है। अबला अति सुकुमार अति, राधा रानी कुछ भी हो हैं तो स्त्री जाति के अबला हैं, और उनको अधिक ही भय हो जाता है। लोग लाख समानता की बात करें लेकिन कुछ कुछ अंतर है। हम हे नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्त्री व्यक्तित्व हे है, यह मैं नहीं कह रहा। कई एक दृष्टि से शरीर को हे माना जाता है, और कई एक दृष्टि से जो नारी का व्यक्तित्व है उत्कृष्ट है, खास करके जो भक्ति का क्षेत्र है या समर्पण की भावना है, और भक्ति का मतलब भावना, इस दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री का शरीर अधिक उपयुक्त है। लेकिन अब स्त्री का व्यक्तित्व है तो उसमें भय अधिक है, पुरुष भी डरने लगते हैं। अब नौका डगमग डगमग करने लगे तो कितना भय होगा। और कृष्ण तो परम दक्ष है, थोड़ा दूर ले जा करके और उसको खूब डगमग डगमग करने लगते हैं। अब जब नौका होने लगा तो राधा रानी भयभीत हो जाती है। अब उस समय तो मान करने का अवसर नहीं है, सीधा कृष्ण के गर्दन को पकड़ लेती है। अब भय की स्थिति है तो जो सहारा है उसको पकड़ेंगे, तो कह रहे हैं कृष्णो ही राधा नु गलो बभौस। अब राधा रानी कृष्ण के गला को पकड़ लेती है। कारण यह है कि कृष्ण कुछ देर तक तो नौका को डगमगा रहे हैं, और डगमगाना तो आसान है लेकिन नौका को डुबा देना बहुत आसान नहीं होता है। नौका में पानी नहीं भरा है तो नौका को डुबा नहीं सकते, लेकिन कृष्ण तो परम दक्ष हैं, बीच गंगा में ले जा करके, बीच नदी में ले जा करके नौका को डुबा देते हैं। अब तो कोई विकल्प नहीं है, और राधा रानी कृष्ण के गले को पकड़ लेती है, तो कह रहे हैं कि कृष्णो ही राधा नु गलो बभौस। अब उस समय श्री कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं, राधा रानी भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए भगवान
तो लावण्य सारम वे सौंदर्य के सार हैं। अब वहाँ सौंदर्य बढ़ने का कोई अवकाश नहीं है। लावण्य सारम असमूर्ध मनन्य सिद्धम, भगवान के सौंदर्य के विषय में मथुरा की स्त्रियाँ कह रही हैं कि लावण्य सारम, ये लावण्य के सार हैं और ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं है, अधिक होने की बात तो दूर है। और अनन्य सिद्धम, जब भगवान का सौंदर्य है तो कुछ साधन से उसको नहीं प्राप्त किया गया है, सौंदर्य साधन से भी प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि आप जिधर जाएं ब्यूटी पार्लर का दुकान मिलता है ना, और बहुत पैसा खर्चा करते हैं और अंतर हो जाता है। हम तो बीआईटी में ही अनुभव किए हैं बीआईटी के ब्यूटी पार्लर के समय एक लड़की, उसी समय विवाह था, ओ हमें तो लग रहा था कि 8-10 साल का अंतर तो दिखने ही लगा। लेकिन भगवान के लिए शब्द अनन्य सिद्धम, भगवान का जो सौंदर्य है तो किसी साधन से प्राप्त नहीं किया गया। अरे किसी साधन से वो प्राप्त नहीं है और उसके बराबरी कोई नहीं है, बढ़कर होने की बात दूर, बहुत दूर है, वो फिर उसमें वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे ही वो लावण्य सार है तो वृद्धि का कोई अवकाश नहीं है। लेकिन गोपियों की विशेषता है कि जब भगवान गोपियों के बीच में आते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। स्पष्ट श्रीमद् भागवतम में श्लोक है कि तत्राति सुशुभे, जब भगवान गोपियों के बीच में बैठे तो वहाँ बहुत अधिक शोभित हो रहे थे, व्यरोचित अधिकम। जब गोपियों के संपर्क में आते हैं तो भगवान की शोभा बढ़ जाती है और उनके नज़दीक बैठने से ही भगवान की शोभा बढ़ जाती है। तब राधा रानी उनके गले को पकड़ करके लटकी हुई हैं और बभौ श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहा है। समय का बंधन है और मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि कोई कोई भगवान की झांकी है तो भक्तों को बहुत प्रिय लगता है। हम 2-3 उदाहरण देंगे, अनंत उदाहरण है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि ब्रज की गोपियाँ कृष्ण को पकड़ करके लाती थी और माँ यशोदा से उल्हाना देती थी कि ये चोरी किया, शैतानी किया, इतना मक्खन बर्बाद कर दिया। वो आ करके जो कंप्लेन लगाती थी, उल्हाना देती थी, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या वो दुखी थी कि हमारे घर का वस्तु बर्बाद कर दिया, मक्खन चुरा लिया? इससे वो दुखी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जहाँ वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ अब वो कंप्लेन करती हैं तो श्री कृष्ण मुख नीचे करके भय की अवस्था में खड़े हो जाते और गोपियों को वह रूप देखना बहुत पसंद था। बिलोकनी भी, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं तो बिलोकनी भी वो उसी रूप को देखना चाहती थी, वो उनको बहुत पसंद पड़ता था। आप भीष्म पितामह के विषय में पढ़ते हैं, भगवान वहाँ खड़े हैं, भीष्म पितामह आदेश दिए कि चतुर्भुज में मुस्कुराते हुए प्रतीक्षा कीजिए जब तक हम अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देते। भगवान खड़े हैं और स्तुति बोल रहे हैं और वे वर्णन कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध का। जब
कृष्ण सारथी रूप में है, अर्जुन का सारथी बने हैं, तो अधिकांश श्लोक में उसी रूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि वही रूप उनके चित्त पर छाया हुआ था, वो रूप बहुत पसंद था। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो उस रूप की स्तुति कर रहे हैं जिसमें भगवान अपने हाथ पर दही भात का रखे हैं और मुग्ध भाव से बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्लेम किया है कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, और वह व्यक्ति बछड़ों का अन्वेषण कर रहा है एकदम मुग्ध भाव से अज्ञ के समान, वह रूप ब्रह्मा जी को बहुत पसंद था। वैसे ही जो माधुर्य भाव के उपासक हैं, निकुंज के उपासक हैं, और कृष्ण जब राधा रानी के साथ हैं तो वह रूप उनको बहुत अच्छा लगता है। और नौका विहार में राधा रानी और कृष्ण के गर्दन को पकड़ करके लटकी हुई हैं और कहें कि वह रूप बहुत सुंदर लग रहा है, और राधा रानी भी उस समय बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि तेहों कृष्ण कंठ धरी भासे जलर ऊपरी गजोत खाते जैसे कमलिनी। जब राधा रानी कृष्ण के गले को पकड़ करके जल में लटकती हैं, और जल तो आकंठ है, और राधा रानी का शरीर जल पर तैरता है, हाथ से पकड़ी है गले को, तो उस समय यही लगता है कि कोई गजराज कमलनी को कमल को उखाड़ दिया है। जैसे कोई हाथी है अपने सूंड से कमल को उखाड़ दे तो जल में जैसे तैरता है, तो वैसे राधा रानी सुंदर लगती है। और भक्त लोग इस रूप का आस्वादन करते हैं, और भगवान जिस नदी में मानसी गंगा हो यमुना जी हो और जल विहार के लिए जाते हैं वो अपना प्रसाद अर्पित करते हैं। ऐसा लिखा गया है कि ताभिर जुता श्रमम पोहित अंग संग घ्रष्ट स्रज। भगवान गोपी का आलिंगन करते हैं, गोपी के अस्तन के कुमकुम उनके माला में लग जाता है, लेकिन भगवान जब जल विहार के लिए जाते हैं तो उस माला को अपने से उतार करके यमुना जी को देते हैं। इसी से चैतन्य महाप्रभु कहें पर प्रेम पात्री। यमुना जी भगवान के अतिशय प्रिय है। देखिए प्रसाद के बहुत लालसा होती है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जब भगवान का चंदन यात्रा होता है तो भक्त लोग कितने उत्साह से उस चंदन को लेना चाहते हैं, तो उसी तरह जब भगवान निकुंज में लीला करते हैं, कैसे गोपी का आलिंगन करते हैं, खास करके राधा रानी का आलिंगन करते हैं, तो उस आलिंगन का कुछ भी प्राप्त हो जाए तो इसके लिए भक्त लोग बहुत ललायित रहते हैं। इसी से भक्तों ने से प्रार्थना किया है कि कदा हम मार्जनी श्याम, कब ऐसा सुयोग मिलेगा कि हम निकुंज के मार्जनी बन जाएंगे। मार्जनी मतलब झाड़ू, या मार्जनी मतलब मार्जन करने वाले। भाई क्यों मार्जनी बनना चाहती है, तो निकुंज में जो विलास कर रहे हैं और उसका कुछ प्रसाद मिल जाएगा, कुछ तो गिरा होगा, वो पान का रस गिरा हो, फूल गिरा हो, कुछ भी तो संपर्क हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े भक्त हैं और जिस प्रसाद के लिए अतिशय उत्कंठित रहते हैं, और भगवान जब जल विहार के लिए जाते हैं तो उस प्रसाद को अपने से यमुना जी को अर्पित करते हैं, और कितना यमुना जी का सौभाग्य है, कितनी महान है। और भगवान यमुना में प्रवेश करने के पहले अपने माला को यमुना जी को प्रदान करते हैं। तो दो चीज़ है,
यमुना जी के भाग्य को हम देख सकते हैं, या दूसरी बात यह है कि भगवान एक विधि भी स्थापित कर रहे हैं। नौका विहार कराना है तो जल को भी सजाना होता है। देखते हैं ना कृष्ण बलराम मंदिर में पूरा कितना सजाया जाता है। तो यह शास्त्र सम्मत है, भगवान पुष्प अपना ही पुष्प दे करके यमुना जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और यमुना जी को वो भगवान का प्रसाद मिलता रहता है। और गंगा जी भी यमुना के बहन ही हैं। अब यमुना के गंगा के भी स्प्रिया है कि हमको भी कुछ ऐसा सुजोग मिलता, कृष्ण का संयोग मिलता, ओ कृष्ण यहाँ भी नौका विहार करते हैं, जल विहार करते हैं। देखिए भगवान की विशेषता है कि वे किसी के भावना का अनादर नहीं करते, सबके भावना का सम्मान करते हैं। किसी आकांक्षा का कितना वे सम्मान करते हैं इसको आप एक घटना से समझ सकते हैं। भौमासुर 16,100 लड़कियों को कैद किया था, भगवान गए उनको मुक्त करने के लिए। अब सब लड़कियों के दृष्टि पड़ी, एक साथ श्री कृष्ण को देखी और एक साथ उनके मन में यह विचार आया कि यही हमारे पति बनते, एक साथ विचार आया। तो उसी भावना का सम्मान करने के लिए सारे लड़कियों से एक साथ विवाह किए। अब एक लड़की के साथ विवाह करें और दूसरे को वेटिंग लिस्ट में डालें तो उसके मन में खिन्नता आएगी ना। लेकिन भगवान किसी को खिन्न नहीं करना चाहते। जब सबके मन में एक साथ विचार आया तो सबके साथ एक एक समय में विवाह किए, एक 16,100 रूप बना करके विवाह किए एक साथ। बारी बारी से भी कर सकते, भोज भात चलता रहता। लेकिन भगवान के एक साथ विवाह करने का वो कारण है कि जब एक साथ संकल्प की है तो किसी को वो खिन्न नहीं करना चाहते। और भगवान यमुना जी में विहार करते हैं, गंगा जी की भी आकांक्षा है तो मानसी गंगा में भी नौका विहार करते हैं। और यहाँ जब राधा रानी उनको उनके गर्दन में हाथ डाल करके और लंबित हो जाती हैं, वे झूलती हैं, तो यह रूप भक्तों को बहुत पसंद है। और जब प्रिया प्रियतम एक साथ हैं तो श्री कृष्ण के रूप में भी निखार आ जाता है, उनको भी कुछ फायदा होता है, रूप अच्छा बढ़ गया। और भक्तों का यही जीवन है, भक्त लोग प्रिया प्रियतम को एक साथ देखना चाहते हैं। जितना वे नज़दीक रहते हैं और उतना सखियों का आनंद बढ़ता है। तो नौका विहार का आयोजन है तो कृष्ण और राधा रानी एकदम एक साथ हो जाती हैं और भक्तों का बहुत आनंद रहता है। और भगवान विविध प्रकार के आनंद के आस्वादन के लिए अवतरित हुए हैं। सच्चाई तो यह है कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही बपू है, केवल रस आस्वादन के लिए ही दो रूप में हुए हैं। ओ दो रूप धारण करके आस्वादन कर रहे हैं और विविध जगह पर आस्वादन करते हैं, नौका पर बैठ करके आस्वादन करते हैं, कभी कभी झूला पर बैठ करके आस्वादन करते हैं। हमको तो आज कहा गया था कि आप नौका विहार पर ही बोलिएगा, लेकिन महाराज कहे कि थोड़ा झूलन के विषय में भी बोलना चाहिए। पिछले कभी मैं बोला था, वो अनेक विशेषता है
उसमें एक विशेषता है कि झूलन के समय प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह का स्पष्ट दर्शन होता है। झूला के दो पद्धति है, एक तो हिंडोला डालते हैं तो पैर नीचे करके बैठते हैं, और एक पद्धति है कि दो तरह से रस्सी लटकती है, एक व्यक्ति एक रस्सी पर बैठ गया दूसरे दूसरे पर, और वे अपने पैर के सहारे ही वो झूला झूलते हैं। ऐसा गांव में आज भी प्रचलित है। तो प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह का दर्शन होता है, और ऐसे कहने में तो लगता है चरण चिन्ह का दर्शन होता है ये कौन भरी बात है, लेकिन अब चरण चिन्ह की क्या महिमा है इसको आप समझ सकते हैं। वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु, जब कृष्ण बलराम चलते हैं तो उनके चरणों के जो चिन्ह है उसके छाप से वृंदावन अतिशय सुंदर हो गया। ऐसी बात नहीं है कि वृंदावन फीका है, वो सुंदर है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अतीव पुण्यम चक्रतु, अति सुंदर बना दिए। अब वो चरण चिन्ह कितना सुंदर है कि उसके छाप से नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, उसके छाप से वृंदावन का सौंदर्य बढ़ रहा है। और आप एकादश स्कंद पढ़ेंगे, सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं भगवान के लीला का उपसंहार करते हुए, भगवान के पूरे लीला का उपसंहार कर रहे हैं। 90 अध्याय में जो लीला बोले हैं तो उसका उपसंहार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के क्या किए, वो कहे कि चार काम किए। भगवान जो ब्रज में अवतरित हुए लीला किए तो उससे चार काम किए, वे क्या चार काम किए, और कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णाम, वे मनुष्यों के आँख को छीन लिए। मनुष्यों के आँख को छीने, कैसे छीने, कि अपने श्री विग्रह के दर्शन से, श्री विग्रह से उसकी विशेषता दे रहे हैं, उसकी व्याख्या है, लेकिन उधर के समय नहीं है। और गिर्भिस्ता स्मरता चित्त, अपने वाणी से स्मरण करने वाले के चित्त को छीन लिए। और पदस्थान इच्छताम क्रिया, जो लोग उनके चरण चिन्ह का दर्शन किए तो उनके क्रिया का छीन लिए, क्रिया समाप्त। उनके चरण चिन्ह ऐसे सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो व्यक्ति उसको देख लिया तो फिर आगे वो कुछ कार्य नहीं कर पाया। कोई स्त्री पानी लेने के लिए जा रही है और चरण चिन्ह दिख गया तो अब पानी लेने नहीं जा सके, वो देखते ही रह गए। कोई दुकानदार चाबी लेकर के चला के दुकान खोलेंगे, लेकिन कहीं चरण चिन्ह रह गया तो दिन भर देखते रह गया, जब तक अंधेरा नहीं देखते रह गया। और चरण चिन्ह से लोगों के क्रिया को छीन लिए और अपने जस को पृथ्वी पर भरे कि भविष्य के लोग माया को पार करेंगे। और झूलन के अनेक विशेषता है, जैसे आप सुने महाराज के मुख से कि एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस चरण चिन्ह से वृंदावन की शोभा बढ़ जाती है, लोगों के क्रिया का नाश हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो उससे चरण चिन्ह का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उधर तो छाप पड़ता है ना, बहुत सुंदर चरण चिन्ह है। और उस चरण चिन्ह से प्रिया प्रियतम भी आकर्षित हैं, वो खास करके दो रस्सी पर वे बैठते हैं और अपने पैर को ऐसे आगे करते हैं, तो श्रीमती जी के चरण चिन्ह का दर्शन भगवान को मिलता है, भगवान के चरण चिन्ह को राधा रानी को मिलता है। और चाहे झूलन का लीला हो या नौका विहार हो
या वृंदावन में रस आस्वादन के लिए भगवान ये सब लीला का संपादन करते हैं और सखियाँ इसका आयोजन करती रहती हैं। और जितना समय कहा गया था उससे कुछ अधिक ही हो गया, हम यहीं बंद करते हैं। हरे कृष्ण। For the students, and we are very grateful that she kindly accepted our invitation. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Yes, thank you, Maharaj, for your invitation. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। So I just speak a few words. I was reminded of a verse in the 10th canto Srimad Bhagavatam, in the 15th chapter, where Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains how Krishna escapes the company of the coward boys in the forest and goes to meet the gopis during the day. And the verse goes like this: Evam Vrindavanam Srimad Krishna Prita Mana Pasun Reme Sancharayanatre Saridro Dasum Sanugaham. So, in general, the verse means that in this way, after describing the entrance of Krishna in the forest, as Maharaj says, putting the imprints on his feet on the beautiful land of Vrindavan and making Vrindavan more holy, more pure, more beautiful, although Vrindavan is always pure and beautiful. So he plays with the coward boys, that he spends a lot of time in the forest. They play. The purpose of their going to the forest is also rasa, it is said. It is not to hurt the cows. Who said they are going to hurt the cows? Yes, they go, they hurt the cows, but what they mostly do is that they play. They are playing. They are climbing on the trees. They are jumping in the Yamuna. They are hiding in the caves. They are imitating the animals, and so on. And then, in the middle of the day, the boys get a little tired.
and then they rest. And then in the middle of all that, Krishna at some point escapes. And Visharachakra Thakur says, he tells the boys after resting, you just go ahead, go ahead. I'm a little tired, so I'll stay a little back and I'll rejoin you later. Krishna is especially interested in getting rid of Balaram. So Balaram and the cowherd boys move forward, and then Krishna escapes through the pathways of Govardhan Hill. And Vishwacharya Thakur explained that when he says Sarit Rodasu, it means on the bank of the river. And which river? So he says it is Mansi Ganga. It is also described that Mansi Ganga is a river. There are not only the Yamuna is the main river in Vrindavan, Yamuna which flows across the 12 forests of Vrindavan, and it's the most beautiful and the biggest river. But there are other rivers, and most of them, they come from Govardhan. We should not forget that the Govardhan that we see today is not the same as the Govardhan that was there when Krishna was manifest together with Krishna before he appeared even. Govardhan manifested, Braj manifested, and it was a wonderful sight. Govardhan is described with many, many high peaks and rivers flowing from the top of the mountains. So Krishna runs through the pathways, and Vishwacharya Thakur says that as he runs through the pathways, before reaching the spot on the banks of the Manasi Ganga, where he will meet the gopis. And as you know, when Krishna leaves Nandagaon in the morning, he's wearing flower, sometimes on this ear, sometimes on that ear, sometimes